Heart of the Darkness is the story of our traveling from conscious to subconscious and subconscious to inner self. ठीक है, इनर कॉन्शियस, इनर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस आपको याद होगा, आपने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ा था, सबको याद होगा. गुलिवर्स ट्रेवल्स एक कहानी थी जिसमें हमने चार वॉयजेस जो हैं वो देखे थे. ठीक है, फोर वॉयजेस की एक कहानी थी कि गुलिवर जो है वो वहां वहां जाता है और फिर फाइनली जो है उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. फाइनली एंड पे जाके क्या होता है गुलिवर के साथ कि वो इंसानों से नफरत करने लग जाता है. हुआ था, ऐसे ही हुआ था. हार्ट ऑफ द डार्कनेस जो है जोसेफ कॉनराड का अगेन एक ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस है. अब उधर भी हमने जब स्विफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे, हमने चार कहानियां पढ़ी थी, वो तो एक प्रॉपर कहानियां थी. बेटा ये कोई खास कहानी नहीं है, दैट इज अ सिंबॉलिक नॉवल. आप लोगों के जो क्लासिकल जो आप पार्ट वन में पढ़ रहे हैं और जो पार्ट टू में पढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ पे आपको स्टोरीज नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको हर चीज सिम्बॉलिक मिलेगी. ठीक है, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस इज बेसिकली नॉट अ कोई बहुत डीप स्टोरी नहीं है. अगर आप इसकी वीडियो मूवी भी देखेंगे ना तो शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसको सिंबॉलिकली पढ़ेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. सो दैट इज नॉट ओनली कि जी एक जोसेफ कॉनराड था, उसने एक कहानी लिखी, उसका हीरो मार्लो था, और मार्लो जो है वो थ्री स्टेशन से गुजरता है. नंबर वन आउटर स्टेशन, देन सेंट्रल स्टेशन, देन द इनर स्टेशन. ये तीनों स्टेशन जो हैं वो इंसान की इनर कॉन्शियस को आप, मतलब मैंने आपको बताया ना, दैट इज अ ट्रेवलिंग फ्रॉम कॉन्शियस, कॉन्शियस जो हम बाहर से नजर आ रहे होते हैं, कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस टू इनर सेल्फ, इनर अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये उसकी स्टोरी है. पार्ट वन में जब आप क्लासिकल पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा होगा था कि जो राइटर्स थे वो डील करते थे आउटसाइडर सिनेरियो के साथ. मॉडर्न नॉवल, मॉडर्न ड्रामा के अंदर आप देखेंगे सब कुछ इनर सेल्फ है. दैट इज नॉट अ स्टोरी कि जी वो एक अफ्रीका में जाता है, ब्रसल टू अफ्रीका. दैट इज अ स्टोरी कि वो अपने अंदर के इंसान को कैसे पहचानता है, अपनी अंदर की डार्कनेस जो है उसको कैसे पहचानता है, उसको क्या पता चलता है. हमें तो अपने बारे में बड़ा एक नाज होता है ना कि हम बड़े अच्छे हैं. इवन आप एक छोटे से बच्चे को कहें ना कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा जो है वो पेंसिल उठा लेता है, ठीक है, और सामने से माँ आ जाती है, माँ कहती है बेटा जी ये आपने ये पेंसिल किसने उठाई है, तो बच्चा फौरन हाथ पीछे कर लेता है और कहता है नहीं मामा मैंने तो नहीं उठाई, ये भाई ने उठाई होगी, मैंने नहीं उठाई. तो हमें हमेशा यही चीज होती है, मैं तो नहीं कर रही वो कर रहा है, मैं क्या करूं जब सारी ऐसे करते हैं. हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं. अब हम उसी हार्ट ऑफ डार्कनेस को देखते हैं, हमारे दिल की डार्कनेस, हमारे दिल की गहराई, हमारी इनर डार्कनेस, ये वो स्टोरी है. तो इसलिए अब वो जो पुरानी कहानी है उनको भूल जाएं कि जी गुलीवर गया था, वो तो ट्रैवलिंग हुई थी, वो तो लिलीपुट भी गया था, वो ब्रॉबडिंगनाक भी गया था. यहाँ पे भी वो तीन जगहों पे जाएगा, सबसे पहले वो आउटर स्टेशन में होगा, फिर सेंट्रल में होगा, फिर इनर में होगा. लेकिन कहानी कुछ खास नहीं है, कहानी बस ये है कि वो अपनी इनर सेल्फ को पा लेता है. और अगेन एंड पे क्या होता है, आपको याद होगा जोनाथन स्विफ्ट का जब हमने गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ा था, तो गुलिवर्स जब वापस इंग्लैंड जाता है क्या होता है गुलिवर के साथ, कि वो उसको अपनी बीवी से भी स्मेल आ रही होती है, अपने बच्चों से भी स्मेल आ रही होती है, उसको इंसानों से कराहत होने लग जाती है. मार्लो भी यहाँ पे ऐसे ही है कि वो जाएगा अफ्रीका में कुछ एम्स लेके, कुछ एम्बिशंस लेके, वो समझता है मैं वाइट हूँ, लेकिन जब वो वापस जाता है लेट्स सी कि क्या उसका भी वही हाल होता है, क्या इसके ऊपर भी वही चार्ज लगा जो स्विफ्ट के ऊपर लगा था, स्विफ्ट को मिसेंथ्रोप कहा था. लेट्स सी कॉनराड को क्या कहते हैं. ठीक है, क्या कॉनराड भी अपनी कौम से नफरत करने लग गया था. दूसरी चीज यहाँ पे जो मेन थीम है दैट इज इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. एडवर्ड सैड का नॉवल मैंने आपको बहुत डीपली सिखाया था, इसीलिए सिखाया था हार्ट ऑफ डार्कनेस ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. उसमें हमने कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म पढ़ा था. अब उसमें आपने क्या करना है, उसमें अब आपको याद होगा कि किस तरह से
जो ग्रीड था, ग्रीड, लस्ट फॉर चीप लेबर और लस्ट फॉर लैंड कितनी ज्यादा थी, जो ये हमारी इंपीरियलिस्टिक नेशंस जितनी भी थी, जिसके अंदर इंग्लैंड आ जाता है, जिसके अंदर फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, इन सारों ने कहाँ का रुख किया था? थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ किया था। क्या, क्यों? क्योंकि उनको वहां की चीप लेबर चाहिए थी, वहां की चीप लैंड चाहिए थी, वहां का रॉ मटेरियल चाहिए था। हार्ट ऑफ डार्कनेस एक ऐसी स्टोरी है कि इंग्लैंड के लोग या एक कंपनी है जो कि इन द नेम ऑफ इम्पीरियलिज्म कि हम जी वहां की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, बट दे वर ग्रीड फॉर देयर चीप लेबर, चीप लैंड एंड रॉ मटेरियल। और वहां का जो रॉ मटेरियल था वो था आइवरी। दैट वाज द ग्रीड फॉर आइवरी, हाथी दांत, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अफ्रीकन्स को वहां पे जाके स्लेव्स बना लिया, उनको चेंड कर दिया, उनको खाने पीने, हालांकि पढ़ी लिखी कौम थी, लेकिन मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली। और एक और चीज आपको मैंने पॉइंट, हमेशा मैं एक चीज कहती हूँ कि दुनिया को तबाह करने में अनपढ़ बंदे का कमाल वो नहीं है कमाल, दुनिया को तबाह किया है पढ़ी लिखी नेशंस ने, जिन्होंने फलाहो बहबूद के नाम पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटर्स एंड एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटर्स जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया और एक्सप्लॉइटेड जो कि एक्सप्लॉइट हुए। एक्सप्लॉइटर्स उन्होंने इन द नेम ऑफ एजुकेशन, इन द नेम ऑफ जो है इसे कहेंगे हम बहबूद के नाम पे, वो गए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और जो एक्सप्लॉइटेड थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, उन्होंने उनको खुले हाथों वेलकम किया, बल्कि उनको उन्होंने जो है डेमी गॉड बना दिया, उनको वो पूजने लग गए, उनको उन्होंने सर आंखों पे बिठाया कि शायद यही वो लोग हैं जो हमें शायद इस मुश्किल से निकाल सकेंगे। तो उन्होंने उनको अपना हुक्मरान मान लिया, उन्होंने उनको अपना बादशाह बना लिया। तो यहाँ पे एक स्टोरी है वो जो मैं आपको अक्सर एक शेर सुनाती हूँ कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, ठीक है। कि आप ये जो जुर्मे ज़ईफ़ी है ना, ये जो आपकी कमजोरी है, ये मर्गे मफाजात पे ही जाके खत्म होती है, यानी कि फिर एंड में आपका जो है तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, ठीक है। ये जुर्मे ज़ईफ़ी होता है कि हम खुद से एक्सेप्ट करते हैं कि वी आर थर्ड वर्ल्ड नेशन, हम कोई भूखी नंगी कौम है, तो आप आए और आके हमारे लिए काम करें। हम अपने लिए खुद काम करना नहीं चाहते, जो कौमें खुद काम करना नहीं सीखती फाइनली वो गुलामी करती है। हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, इसलिए हम अपने आप को किसके हवाले कर देते हैं? इंपीरियलिस्टिक नेशन के हवाले कर देते हैं। ऐसे ही है, हम किस चीज को खरीदना पसंद करते हैं? हम बाहर की चीजों को खरीदना पसंद करेंगे रादर देन कि हम अपने मुल्क के ऊपर इक्तफा करें। हम कम स्टैंडर्ड की चीज लें, लेकिन हम कहें नहीं भाई, हमने पाकिस्तानी चीज ही खरीदनी है, ऐसी चीज। सो दीज आर द थिंग्स हम इस हार्ट ऑफ डार्कनेस में है। वैसे सिंपल स्टोरी, क्वेश्चन आंसर्स करने जाएंगे ना तो फिर आपको मेरी ये सारी बातें याद आएंगी कि मैम ने ये पॉइंट्स बताए। सो दीज आर सम पॉइंट्स, बाकी मैं साथ साथ एलेबोरेट करती जाऊंगी। लेट्स कम टू आवर स्लाइड नाउ। हार्ट ऑफ डार्कनेस नीचे देखें, वी लिव एज वी ड्रीम अलोन, हम ऐसे रहते हैं जैसे हम अकेले ही ड्रीम कर रहे हैं, हम एक ड्रीम की दुनिया में रहते हैं, ठीक है। और कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो हम ड्रीम ही कर रहे हैं, हम रियलिटीज को फेस नहीं कर सकते। सो हम अपने आप को किसके हवाले कर देते हैं? इम्पीरियलिस्टिक नेशंस के हवाले। और जो गुलाम कौमें होती हैं ना, वो सारी उम्र गुलाम ही रहती हैं, वो कभी फिर दोबारा उठ के खड़ी नहीं हो सकती। ये हमने एडवर्ड सैड में बड़े डीपली सारा कुछ पढ़ा था। हार्ट ऑफ द डार्कनेस वी लिव एज वी ड्रीम अलोन। द हार्ट ऑफ द डार्कनेस इज अ ड्रेडफुल एंड फैसिनेटिंग टेल, फुल एज एनी ऑफ पोज मिस्ट्री एंड हॉन्टिंग टेरर।
आपको एक मिस्ट्री और हॉन्टेड टेरर नजर आएगा, येट विद ऑल द सब्सटेंशियल बेसिस ऑफ रियलिटी दैट नो मैन हु हैड नॉट लिव्ड एज वेल एज ड्रीम्ड कुड कंज्यूर इनटू एग्जिस्टेंस. अभी क्या बताया था, है जुर्मे ज़ई थी इसकी सजा, मर के मुफा जा. कहानी है जनाब एक मिस्ट्री की, हॉन्टिंग टेरर की, येट विद ऑल द सब्सटेंसेस बेसिस ऑन द सब्सटेंशियल बेसिस ऑन रियलिटी, तमाम सब्सटेंशियल बेसिस ऑफ रियलिटी आपको इसमें नजर आएंगी. दैट नो मैन हु हैड नॉट लिव्ड एज वेल एज ड्रीम, कि जो ऐसे नहीं जीता जैसे कि वो ड्रीम करता है, कुड कंज्यूर इनटू एग्जिस्टेंस. तो शायद वो एग्जिस्टेंस में शायद कंज्यूर ही कर रहा था. कंज्यूर मीन के कंज्यूरिंग कहते हैं बेटा जादू करने को, कंज्यूर यानी कि वो बस एग्जिस्टेंस को बस वो कहते हैं ना बस रूल ही रहा होता है बेचारा ना. तो आगे चलते हैं. जोसेफ कॉनराड्स लाइफ, बॉर्न 1857 इन रशियन ऑक्यूपाइड पोलैंड. पहले हम जरा जोसेफ कॉनराड के बारे में पढ़ लेते हैं. स्विफ्ट के बारे में जब हमने पढ़ा था गिलिवर्स ट्रेवल्स, तो हमने देखा था कि स्विफ्ट और गिलिवर्स ट्रेवल्स दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड थे. जोसेफ कॉनराड जो है इसके मोस्टली जो हीरोज हैं वो आपस में, वो शायद कॉनराड खुद ही है. जैसे स्विफ्ट का हमने पढ़ा था ना कि शायद गुलिवर जो है वो स्विफ्ट खुद ही था. तो इसी तरह जब आप मॉडर्न नॉवल या मॉडर्न ड्रामा की तरफ आएंगे, मैंने आपको बताया इनर कॉन्शियस की बात हुई, तो ज्यादातर जो नॉवल हैं वो बायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल यानी कि जो पोइट की या राइटर की अपनी लाइफ को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या एक्सपोज कर रहे होते हैं. तो बेसिकली कॉनराड एंड मार्लो बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. बॉर्न हुआ था रशियन ऑक्यूपाइड पोलैंड में, पेट्रियट. अब देखिए उसकी जो ब्रॉटअप हुआ यानी कि वो ऑक्यूपाइड पोलैंड में था, ठीक है. उसने एज अ गुलाम कॉम जो है वो आंख खोली थी या गुलाम कॉम का हिस्सा था, ऑक्यूपाइड नेशन थी एक रशियन पोलैंड में, और वो वहां पे पैदा हुआ था. पेट्रियट फादर एंड फैमिली, उसका जो फादर था वो पेट्रियट था, मुल्क से मोहब्बत करने वाला, पेट्रियटिक, ठीक है, हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतन उसका फादर था. एंड फैमिली एग्जाइल्ड इन रशिया 1862, बोथ पेरेंट्स डेड ऑफ इलनेस बाय 1869, कंजर्वेटिव अंकल टुक हिम इन, उसका जो कंजर्वेटिव अंकल था वो उसको ले गया, उसने उसको पाला. ज्वाइन फ्रेंच मर्चेंट मेरीन एट 16, और उसने फ्रेंच मर्चेंट मेरीन जो है उसको 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया. किक्ड आउट ड्यू टू हिज नेशनैलिटी एंड अ सुसाइड अटेम्प्ट, और उसको वहां से किक आउट कर दिया गया क्योंकि उसकी उसकी नेशनैलिटी की वजह से और उसकी सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से. ज्वाइन ब्रिटिश मर्चेंट मेरीन 1878, लेफ्ट द सी एंड बिगेन राइटिंग 1894, डाइड. Died 1924 and buried in Canterbury, और उसको फिर Canterbury में बरी किया गया. Joseph Conrad's life, long stint in East Asia ended, had trouble finding a new position. With the help of a relative in Brussels, took position as captain of a steamer for a Belgian trading company. Joseph Conrad की life के बारे में पढ़ेंगे. अब ये Brussels कैप्टन स्टीमर ये सारी चीजें जरा अपने जहन में रखिएगा क्योंकि ये सब कुछ मार्लो के साथ ही होंगी, ठीक है. अब वो कहता है कि अपने रिलेटिव की हेल्प में ब्रसल में वो एज अ कैप्टन ऑफ अ स्टीमर जो है फॉर अ बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी, वो जो है उसको पोजीशन मिल जाती है. फिर वो कहता है कि कॉनराड है ड्रीम ऑफ सॉरी फिर वो कहता है कि विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव ब्रसल इन ब्रसल, उसके जो रिलेटिव्स थे ब्रसल में उसकी उनकी हेल्प से वो जो है एक कैप्टन बन जाता है स्टीमर का. स्टीमर कहते हैं छोटी कश्ती को, छोटे बहरी जहाज को, फॉर अ बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी. अब ये जो बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी है, लेट्स सी इसका क्या रोल होता है, क्या करने जाती है ये अफ्रीका, ठीक है. कॉनराड हैज ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग द कॉन्गो. कॉनराड को बड़ा शौक था कि उसको तो कॉन्गो जाना है, वो तो बचपन से मैप्स पढ़ता आ रहा था और उसको जो है सबसे ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट करता था कॉन्गो का. जब वो मैप के अंदर कॉन्गो देखता था तो वो उसको बड़ा होता था कि मैंने यहाँ पे जरूर जाना. ही हैड टू लीव अर्ली फॉर द जॉब एज द प्रीवियस कैप्टन वॉज किल्ड इन अ ट्राइबल क्वार्टर. और जो है
उसको जो है वो ये जॉब जो है उसके लिए जाना पड़ा, क्योंकि जो यानी कि वो पहले ही अजाइन हो गया, यहाँ पे उसने जॉब छोड़ नहीं दी थी, वो अजाइन हो गया था, ही वाज अजाइंड अर्ली फॉर द जॉब, जल्दी उसको जॉब पे रख लिया गया, क्योंकि जो प्रीवियस कैप्टन था वो जो है एक ट्राइबल क्वारल के पीछे उसको कत्ल कर दिया गया था, जिसकी वजह से कॉनराड को रखना पड़ा मेंटली। और ये सेम यही चीज मार्लो के साथ भी होती है, मेंटली एंड फिजिकली अनप्रिपेयर्ड फॉर जर्नी, और वो मेंटली और फिजिकली जो है अनप्रिपेयर्ड होता है जर्नी के लिए। जोसेफ कॉनराड्स लाइफ, कॉनराड्स सॉ सम ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एंड डिप्रेव्ड एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन करप्शन ही हैड एवर विटनेस्ड। उसने बहुत ज्यादा शॉकिंग और डिप्रेव्ड एग्जांपल्स देखी थी ह्यूमन करप्शन की, और वो खुद आई विटनेस था उस चीज का। ही वाज डिस्कस्ड बाय द इल ट्रीटमेंट ऑफ द नेटिव्स, वो जो है इल ट्रीटमेंट ऑफ द नेटिव्स जो है उनकी वजह से बहुत ज्यादा डिसगस्टेड फील करता था। द स्क्रैबल फॉर लूट, द टेरिबल हीट एंड लैक ऑफ वाटर। जब वो कॉनराड गया ना वहां पे जाके, कॉन्गो गया, सॉरी कॉनराड कॉन्गो में गया, तो वहां पे उसने अपनी आंखों से ह्यूमन करप्शन देखी, उसने वहां के नेटिव्स के साथ इल ट्रीटमेंट होता देखा, उसने द स्क्रैबल फॉर लूट ठीक है इंतहा देखी स्क्रैबल फॉर लूट की, और टेरिबल हीट एंड लैक ऑफ वाटर, और वहां पे उसने समंदर के किनारे टेरिबल हीट एंड लैक ऑफ वाटर देखा। ही सॉ ह्यूमन स्केलेटन्स ऑफ द बॉडीज लेफ्ट टू रोट, उसने यहाँ तक देखा कि ह्यूमन स्केलेटन बॉडीज जो हैं उनको वहां पे गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। मैनी वर मैन फ्रॉम द चेन गैंग्स बिल्डिंग द रेल रोड, और बहुत से ऐसे उनमें से लोग थे जिनको गैंग्स के चेन कर दिया जाता था, यानी कि पूरे पूरे ग्रुप्स थे यहाँ पे गैंग्स, बेसिकली चेन गैंग्स इसलिए कहा जा रहा है, एक पूरी लाइन होती थी उनके गलों में उन्होंने चेन्स डाली होती थी, और वो जो है वहां पे रेल रोड्स बनाते थे इन के उनको उन चेन्स के साथ बांध के उनसे काम कराया जाता था, और जब वो बीमार हो जाते थे तो उन्हीं के स्केलेटन्स को बॉडी को छोड़ दिया जाता था गलने सड़ने के लिए, कि अब तो ये मरने वाला हमारे किसी काम का नहीं है। He found his ship was damaged. Conrad ने देखा कि भाई उसकी तो जो शिप है वो डैमेज हो चुकी चुकी है। Dysentery was rampant, as was malaria. Conrad had to terminate his contract due to illness and never fully recovered. और जो है कॉनराड जो है उसको जो है अपना उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको टर्मिनेट किया, क्योंकि वो वहां जाके बहुत ज्यादा बीमार हुआ था, और ऐसा बीमार हुआ कि कभी रिकवर नहीं हुआ। सेम वही हाल इसका हुआ था जो स्विफ्ट का हुआ था। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या है। इन 1890 जोसेफ कॉनराड सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन द कॉन्गो एज द कैप्टन ऑफ अ रिवर्स स्टीमबोट, द अप्रोक्सीमेट ईयर इन विच द मेन एक्शन ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस टेक्स प्लेस। उसी साल 1890 जिस साल हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखी गई, उसी साल जो है वो कॉन्गो जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिली कॉन्गो में एज द कैप्टन ऑफ अ रिवर स्टीम बोट। इलनेस फोर्स कॉनराड रिटर्न होम आफ्टर ओनली 3 months इन अफ्रीका, 3 महीने सिर्फ वो वहां पे रहा, और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बट दैट वॉज लॉन्ग एनफ फॉर इंटेंस इम्प्रेशंस टू हैव बीन फॉर्म्ड इन द नॉवलिस्ट माइंड, लेकिन वो जो 3 महीने थे उसने नॉवलिस्ट के माइंड के ऊपर एक इंटेंस इम्प्रेशन डाल दिया। इस नॉवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी आप लोगों का नॉवल स्टार्ट हो गया तो जो है हमें थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ आना पड़ेगा, तो ये भी फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ उसके इम्प्रेशन जो है वो छोड़ गई थी, क्या इंटेंस इम्प्रेशन थे उसके माइंड के ऊपर। टुडे द कंट्री एट द सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक Republic of the Congo, but in Conrad's time it was the Congo Free State or Belgian Congo. आज इसको Democratic Republic of Congo कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जो है ये Free State या इसको Belgian Congo कहा जाता था। Heart of Darkness first published as a serial in London's Blackwood magazine in 1899, considered by many to be the finest short novel ever written in English. Bridges the Victorian and modern
literary periods. Bridge कर रहा है वो Victorian को और modern literary period को, यानी कि interlink करता है. Modern criticism shapely divided over merit due to racist imperialist theme. Modern criticism जो है वो sharply divide हो जाती है over the merit due to racist imperialist theme. Racist क्या होता है? अपनी रेस को अब जो है बहुत ज्यादा हाई फाई समझना और बाकियों की जो रेसेस हैं, लाइक जो ये जो थे इंग्लैंड के लोग थे वो अपने आप को वाइट्स कहते थे, और अफ्रीकन्स को या कॉन्गो के जो लोग थे उनको ये ब्लैक्स कहते थे. ठीक है, यानी कि खुद को वो बहुत नेक और इंपीरियलिस्टिक नेशंस के अंदर ये है, वो अपने आप को समझते हैं. यानी कि हमने एक कोट पढ़ी थी ना कि अमेरिका यूज्ड टू थिंक दैट कि जो वो सोचता है वही सभी सोचे, या जो वो सोचता है वो शायद ठीक है, याद है एडवर्ड सेड में. तो ये वही रेसिस्ट और इंपीरियलिस्टिक थीम है जो आपको इसके अंदर नजर आएगी. की फैक्ट्स देख लेते हैं. फुल टाइटल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ऑथर है जोसेफ कॉनराड, टाइप ऑफ वर्क है नोवेला. नोवेला किसे कहते हैं? एक तो आपने नॉवल पढ़ा होगा, नोवेला. व्हाट इज द नोवेला? बिटवीन अ नॉवल एंड अ शॉर्ट स्टोरी इन लेंथ एंड स्कोप. एक आपको डिफरेंट टाइप का, आपको यहाँ पे ना मॉडर्न, अब नॉवल पढ़े हम, आपको डिफरेंट नॉवल, हर नॉवल दूसरे से डिफरेंट है, और एक ही उसको पैटर्न पे नहीं लिखा गया, इनके डिफरेंट. अब यहाँ पे उसने नोवेला लिखा था कि बिटवीन अ नॉवल एंड अ शॉर्ट स्टोरी इन लेंथ एंड स्कोप. यानरा इसका है सिंबलिस्ट, कॉलोनियल लिटरेचर, एडवेंचर टेल, फ्रेम स्टोरी. की फैक्ट्स हैं, टाइम एंड प्लेस रिटन इंग्लैंड. जोनाथन स्विफ्ट की भी हमने इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में पढ़ा था, और ये 19th सेंचुरी है. टाइम एंड प्लेस इंग्लैंड 1898 टू 1899, इंस्पायर्ड बाय कॉनराड्स जर्नी टू द कॉन्गो इन 1890. डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन 1902 में पब्लिश हुई थी. In the volume Youth, a narrative and two other stories. Narrator, and there are two narrators, an anonymous passenger on a pleasure ship who listens to Marlow's story, and Marlow himself, a middle-aged ship's captain. Point of view hai, the first narrator speaks in the first person plural on the behalf of four other passengers. First narrator is the speak karta hai in the first person, jo hazir hai. First person kise kehte hai? I, jo hazir hota hai. आपने वो पढ़ा होगा हाजिर गायब मुतकल्लम. ठीक है, हाजिर गायब और मुतकल्लम, फर्स्ट पर्सन आई होता है. ठीक है, तो मैं, द फर्स्ट नरेटर स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी कि मैं वहां गया, मैंने यूं देखा, तो ये क्या होता है? दैट इज द फर्स्ट पर्सन आई, ऑन बिहाफ आई, और वही जो होता है दैट इज द फर्स्ट पर्सन. हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, योर्स, दे, देम, ही, हिज, हिम, दे, देम, तो ऐसे ही हमने पढ़ा था. तो ये वही वाला फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई होता है, वाहिद मुतकल्लम मैं, आई एंड वी, ऑन बिहाफ ऑफ अदर फोर पैसेंजर्स, और वो बाकी चार, यानी कि हम गए, हमने वहां पे देखा, हमने ये देखा. हु लिसन्स टू मार्लोस टेल? Marlow narrates his story in the first person, describing only what he witnessed. उसने जी as a narrator वो कहानी सुनाई कि क्या उसने खुद देखा, कि मैंने देखा, मैं वहां गया. जैसे हम कहीं से आते हैं तो हम एक कहानी सुनाते हैं, Marlow आपको अपनी कहानी सुनाएगा Heart of Darkness में, and experiences and provides his own commentary on the story. Jonathan Swift में भी, Gulliver's Travels में भी उसमें यही था ना कि Gulliver जाता है, वो first person, as a first person आपको story सुनाता है कि जी मैं फलानी जगह गया और फिर यूं हो गया. Key facts. Setting time है later part of 19th century, probably some time between 1876 and 1892. Setting place opens on the Thames River outside London, where Marlow is telling the story that makes the heart of the town. Thames River तो कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने? Rape of the Lock में भी पढ़ा था. यानी कि इस River Thames का बड़ा कमाल है भाई English literature में. इसने बड़े बड़े कमाल किए हुए हैं इस रिवर थेम्स ने. तो यहाँ पे अगेन आप रिवर थेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं आउटसाइड ऑफ लंदन. उसके बाद आपने रिवर थेम्स को कहाँ पढ़ा था? विलियम ब्लेक की पोइट्री में. ठीक है, लंदन. ठीक है, और अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं? हार्ट ऑफ द डार्कनेस में. वेयर मार्लो इज टेलिंग द स्टोरी दैट मेक्स अप हार्ट ऑफ डार्कनेस. इवेंट्स ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस इन द ब्रसल एट द कंपनीज ऑफिस. इवेंट्स जो है
वो स्टोरी के कहाँ पे होते हैं, ब्रसल में होते हैं एट द कंपनीज ऑफिस एंड देन इन द कॉन्गो एंड देन बेल्जियन टेरिटरी, फिर वो कॉन्गो में जाता है और फिर एक बेल्जियन टेरिटरी में जाता है। प्रोटेगनिस्ट हीरो का क्या नाम है, चार्ली मार्लो। ये जो नाम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ये देख लें, इतना हिस्सा फ्रांस ने घेरा हुआ है, ये ब्रिटेन है ये जो आपको सारा नजर आ रहा है, उसके बाद पुर्तगाल है, ये यहाँ पे देख लें ये जनाब पुर्तगाल आ गया, जर्मनी ये जर्मनी आ गया, और ये और उसके बाद बेल्जियम, दिस इज द बेल्जियम, ये बेल्जियम, दिस इज द बेल्जियम कंपनी, स्पेन इटली एंड इंडिपेंडेंट, और ये बाकी ये जो ये वाले इलाके ना ये इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखिए फ्रांस ने कितना हिस्सा ये घेरा हुआ है, और ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, उसके बाद ये जो ब्रिटेन है ये ब्रिटेन है, ये इंडिपेंडेंट को कैसे घेरेंगे, और ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये आपको सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नजर आ रहे हैं। तो ये जनाब इसकी पूरी कहानी है, ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें मार्लोस एंड कॉनराड्स 1889 to 90 जर्नी इनटू हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये गया जनाब वो इस हार्ट ऑफ डार्क, ठीक है दिस इज द हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये वाला हार्ट ऑफ डार्कनेस बेल्जियम, ठीक है यहाँ पे हमने क्या देखा, दिस इज द हार्ट ऑफ द डार्क, यहाँ वो पहुंचेगा, ठीक हो गया। अच्छा अब नाउ लेट्स सी कि ये जोसेफ कॉनराड है, और बेसिकली जोसेफ कॉनराड ही मार्लो है, दोनों का जर्नी है टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ डार्कनेस, एंड दैट इज नॉट ओनली द हार्ट ऑफ डार्कनेस ऑफ एनी एरिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो अपनी इनर सेल्फ के साथ अपने हार्ट की डार्कनेस को पहचानेगा एंड पे जाके। लेट्स सी कि मार्लो पहचानता है या फिर कॉनराड पहचानता है, आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉन्गो रिवर वॉज डिस्कवर्ड बाई यूरोपियन इन 1482, नो वन ट्रेवल्ड मोर देन 200 माइल्स अपस्ट्रीम अंटिल 1877, is 1600 miles long and only impassable to water traffic between the two places, creating a 200 mile overland trip. Metedi, the company station, Kinshasa, the central station, aur iske baad ek inner station bhi tha, theek hai, outer the company station, the central station and the inner station. होगा नीचे नहीं, यहाँ पे वैसे गिवन नहीं है, लेकिन दो यहाँ पे तो दो स्टेशन की बात हुई है, द कंपनी द आउटर स्टेशन द सेंट्रल स्टेशन एंड द इनर स्टेशन, इनर स्टेशन का यहाँ पे नहीं लिखा, आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, 1878 किंग लिपोल्ड टू ऑफ बेल्जियम आस्क्ड एक्सप्लोरर हेनरी मॉर्टन स्टैनली टू सेट अप अ बेल्जियन कॉलोनी इन द कॉन्गो, उन्होंने कहा कि भाई आप बेल्जियन कॉलोनी बनाए इन द कॉन्गो, आपने कॉलोनियलिज्म पढ़ा था, ये वही वाली कॉलोनी है, ठीक है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके आप एक बेल्जियन कॉलोनी बनाओ, वांटेड टू एंड स्लेवरी एंड सिविलाइज द नेटिव्स, और वो क्या करना चाह रहे थे, उनका बेसिक एम क्या था, एंड स्लेवरी, कि स्लेवरी को एंड करें और सिविलाइज करें नेटिव्स को, इसी नाम के साथ कॉलोनिस्ट और इंपीरियलिस्ट जो है, इंपीरियलिस्टिक नेशंस जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गई थी, एक्चुअली इंटरेस्टेड इन मोर मटेरियल बेनिफिट्स। 1885 कांग्रेस ऑफ बर्लिन फॉर्म्स कॉन्गो फ्री स्टेट, दिस वाज रूल्ड बाय लियोपोल्ड टू अलोन, द कांग्रेस ऑफ बर्लिन इज रेफर्ड टू इन द बुक एज द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द सुप्रेशन ऑफ सेवेज कस्टम्स। यहाँ पे जो कांग्रेस ऑफ बर्लिन जो था, कांग्रेस ऑफ बर्लिन इज रेफर्ड टू इन द बुक, बुक के अंदर उसको कैसे रेफर किया गया कि एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द सुप्रेशन ऑफ सेविज कस्टम, के वो सुप्रेस करने जा रहे हैं सेविज कस्टम्स को, लेट सी कौन कामयाब होता है इन सेविज कस्टम्स को, इन क्रूअल कस्टम्स को, इन ब्रूटल कस्टम्स को, इन जालिमाना कस्टम्स को, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो कहते हैं हम उसको सुप्रेस करने जा रहे हैं, हम उनका खात्मा करने जा रहे हैं, लेट सी कि क्या ये लोग कामयाब हुए थे कि वो सेवेज कस्टम्स खत्म हो गए थे, क्योंकि देखें आज भी
बात होती है ना, अक्सर आप देखें टीवी के ऊपर कि कुछ पाकिस्तान में एक एरियाज ऐसे हैं कि वहां पे सिविज कस्टम्स है, बलि कर देते हैं, वो पता नहीं क्या वो काली कर देते हैं, कारी की भी एक कोई कस्टम है. तो दीज आर द सिविज कस्टम जिसमें इंसानों का बेरहमाना जो है किलिंग हो रही होती है, ह्यूमन किलिंग होती है. तो यहाँ पे वो इस नाम के साथ गए थे कि जी हम तो सुप्रेस करने जा रहे हैं उन सिविज कस्टम्स को. लेपर्ड नेवर इवन विजिटेड द कॉन्गो. लेपर्ड ने खुद लेपोल्ड सॉरी लेपोल्ड ने कभी भी विजिट नहीं किया कॉन्गो को. ही सेट अप द कंपनी टू रन इट फॉर हिम. उसने सिर्फ एक कंपनी बना दी थी जो कि उसके लिए काम करे, ठीक है, उनको एम बता दिया था. द किंग लेपोल्ड एंड द कॉन्गो. बेल्जियम एज अ स्मॉल कंट्री डिड नॉट पोजेस नंबरस ओवरसीज कॉलोनीज अनलाइक इट्स नेबर्स हॉलैंड फ्रांस जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन बट शेयर देयर इंपीरियल एम्बिशन. लेपोल्ड persuaded other European powers at the Berlin Conference of 1884 to 1885 to give him personal possession of the Congo. अब क्या हुआ था? Belgium तो एक small country था, did not कोई इतनी ज़्यादा उसकी overseas colonies भी नहीं थी, unlike its neighbors जिसमें Holland, France, Germany और Great Britain, but shared their imperial ambitions. उन्होंने just अपने imperial ambitions जो है वो share किए थे. और बाकी यूरोपियन पार्ट्स को उन्होंने कहा था जो कि बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884 और 1885 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि वो जो है टू गिव हिम पर्सनल पोजेशन ऑफ द कॉन्गो, कि उनको पर्सनल पोजेशन दे दी जाए कॉन्गो की. इन 1886 ही ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल एसोसिएशन एज अ फ्रंट फॉर हिज प्राइवेट प्लान टू डेवलप सेंट्रल अफ्रीका. Leopold used the Congo as a huge money-making resource, committing human rights violations in the process as he built public works projects in Belgium with the money he acquired. $5 to $8 million victims, 50% of population. ये आपको victims नजर आ रहे हैं. It is blood-curdling to see them soldiers returning with the hands of the slain and to find the hands of young children among the bigger ones evidence their bravery. The rubber from the district has cost hundreds of lives and the scenes I have witnessed while unable to help the oppressed have been almost enough to make me wish I were dead. This rubber traffic is steeped in the blood, and if the natives were to rise and sweep every white person on the upper Congo into eternity, there would still be left a fearful balance to their credit. Belgian official ne kaha tha ye baat. White king, red rubber, black death. Countries such as France, the Netherlands, and the Great Britain that acquired large empires exploited both land and people. Bata diya tha aapko pehle bhi, inhone kaise exploit kiya tha both land.